सर अपना थोड़ा पूरा परिचय दें सर डिटेल में। जी मेरा नाम हो गया डॉक्टर आर केसर जी। हम आपको CSC जी मरौना सुपौल में पोस्टेड हैं, आयुष मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पर। जी आपने मरौना और सुपौल का जिक्र किए हैं, मरौना और सुपौल में भी मैंने बहुत सारा डॉक्टर का ले चुके हैं। जी जी मरौना हॉस्पिटल के जो प्रभारी हैं जी उनका भी हम ले चुके हैं, जो हमको बोले थे कि आपके मधेपुर में हम गए थे हैं वेरिफिकेशन में चेकअप करने के लिए। जी हाँ अक्सरहा फुलपरास घोगाडिया मरौना हैं पासवान जी का भी चल रहा है। डॉक्टर बीके पासवान हमारे प्रभारी हुए। जी 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 बीके पासवान जी का आप देखिए इसमें चल रहा है। तो आपका जो हॉस्पिटल हम देखे हैं वो तो भव्य हॉस्पिटल हुआ है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा मान लीजिए अभी होम्योपैथ के बारे में सरकार ने बहुत सारा स्टेप लिया है, आप अभी फिलहाल होम्योपैथिक में कौन कौन सा इलाज कर रहे हैं सर? होम्योपैथ में आपको क्रोनिक का जितना ट्रीटमेंट है सब होता है, एक्यूट में भी होता है, क्रोनिक में भी होता है जी। आपको क्रोनिक में रोमेटिज्म हो गया, आर्थराइटिस हो गया, आर्थरेलजिया हो गया जी। आपको किडनी स्टोन हो गया जी सर। और आपको क्रोनिक में कोलाइटिस हो गया जी, रोमेटिज्म हो गया, साइटिका हो गया, सब तरह की बीमारी का आपका इलाज इसमें संभव है सर। वहाँ मरौना में आप कितने डॉक्टर बैठते हैं? मरौना में जो है आपको लगभग जो MBBS में 4 प्रभारी लेके 5 हैं जी सर। आयुष में हम लोग 2 डॉक्टर हैं। 2 डॉक्टर हैं जी जी। तो सर कौन कौन दिन आप वहाँ बैठते हैं और किस समय से किस समय? हम लोग का जो है हम लोग जो है आपको आयुष में जो है जो RBSK के तहत हम लोग भारत सरकार के द्वारा पोस्टेड हैं जी। इसमें हम लोग का जो काम होता है आपको स्कूल में आंगनबाड़ी में बच्चों का हेल्थ चेकअप करना जी। और उसमें जो भी बच्चे जी। आपको अस्वस्थ पाए जाते हैं जी। उसका हम लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, जैसे बड़ी बड़ी बीमारी का हमने 5-6 आदमी के ट्रीटमेंट कराया है, वो भी पत्रकार के थ्रू आपको यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। जैसे हार्ट का प्रॉब्लम है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है जी सर, क्लिफ्ट लिफ्ट हुआ, उसके बाद आपको क्लब फूट हुआ, ये सब बच्चा का आपका ट्रीटमेंट हम लोगों ने कराया है। रेफर करने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है जी सर। उसमें आपको संवाद कार्यक्रम हुआ था DM साहब के द्वारा जी सर, उसमें भी इसको हमारे BHM के द्वारा प्रसार प्रसारित किया गया था और बताया भी गया था जी 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 जी। हमने एक दो जगह DM साहब के शामिल हुए थे जी, लेकिन मेरा मान ये नेशनल है, हर एक जगह जाना पीके आए थे प्रशांत किशोर जी जी, उसमें भी जहाँ तक हो सकता है मान लीजिए, लेकिन थोड़ा मेरा एज भी है और हर लोकल तो हम है नहीं जी, मेरा कोई टाइम का ठिकाना नहीं है, एक DM के अंदर में मेरा ये नहीं है जी, PRO के अंदर में। सर एक चीज मैं आपको और पूछना चाहता हूँ, जैसे इंग्लिश दवा डॉक्टर साहब लिख दिए मान लीजिए काउंटर पर अवेलेबल है, लेकिन आपका दवा जो है होम्योपैथी आप जो लिखते हैं वो मार्केट से खरीदना पड़ता है या आपके हॉस्पिटल में या आपके माध्यम से मिलता है? देखिए हम लोग के द्वारा जो है आयुष दवा अभी अवेलेबल नहीं है PSC में जी सर, और हम लोग को जो टेम्पोररी जो है मेडिसिन देने का जो भारत सरकार के द्वारा किया गया है आह्वान है, मतलब फर्स्ट एड के थ्रू ही समझिए हम लोग मेडिसिन देते हैं जी सर। और हम लोग का काम है बच्चों को रेफर करना, ठीक है, हायर संस्थान में रेफर करना है जी सर। जैसे अगर कोई बच्चा पाया जाता है बीमार तो उसको हम लोग आपको DHS रेफर करते हैं जी सर। DHS के द्वारा जो हायर संस्थान में रेफर होता है उसका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है जी सर, और उसका इलाज किया जाता है। लेकिन दवा वहाँ नहीं? नहीं, दवा मेरा आयुष का दवा अवेलेबल अभी नहीं है फिलहाल। तो सर मान लीजिए मार्केट से ही खरीदना पड़ता है? जी जी, अगर हम लोग किसी को आयुष का दवा लिखते हैं तो मार्केट से ही परचेज करना पड़ता है। इनकेस मान लीजिए यहाँ जैसे मरौना में हो या मधेपुर में हो या झंझारपुर में हो नहीं मिलता है दवा जी, तो फिर उसको तो बाहर से परेशानी हो जाएगी। तब आपको परेशानी क्या, आप तो ऑनलाइन भी दवा अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजन से आप मंगा सकते हैं, कोई तो परेशानी नहीं जी सर। सर और आप सरकार को कुछ कहना चाहते हैं इस मेडिसिन के बारे में ताकि अवेलेबल जी, सरकार को क्या जी, सरकार को ये कहना चाहते हैं अगर आयुष डॉक्टर को अगर किस पोस्ट पर बहाल किए हैं जी, उसका मेडिसिन जो है जितना जल्द से जल्द हो वो अवेलेबल करा दे हम लोग को, हम लोग के लिए भी अच्छा रहेगा, पेशेंट के लिए भी अच्छा रहेगा, आयुष से भी आदमी जो है भरपूर फायदा लाभ उठा। एक तमुड़िया में है झाजी डॉक्टर जी जी, वो आप ही के जैसे पोस्टेड जी जी, पहचान रहे हैं हाँ, वो भी इंटरव्यू दिए हुए हैं जी, तो उनका भी मान लीजिए हम इंटरव्यू लिए हैं, वो भी आप ही के जैसे पोस्टेड हैं हॉस्पिटल में जी जी। तो सरकार से थोड़ा सा आप लोग निवेदन कीजिए कि हम लोग को दवा कम से कम हॉस्पिटल में अवेलेबल हो
जी जो सरकार सरकार भी लेटर हम लोग को मिला है जिस तरह से जी सरकार भी इस पर ध्यान दी है, सरकार भी बोली है जितना जल्द होगा हम इसका बजट जो भेज रहे हैं दवा आप लोगों के अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी फिर एक बार सर अपना नाम है सर। जी डॉक्टर आर आर के सर जी, आपको NH 57 के नजदीक साउथ साइड कन्होली में मेरा क्लिनिक है जी सर, और हम जो है आपको आयुष मेडिकल ऑफिसर CSC मरौना में पोस्टेड। आपका घर कहाँ हुआ सर? जी मेरा घर अंधाठारी ब्लॉक में गंधरायन पड़ता है। जी 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 वही गंधरायन घर हुआ जी सर, और रुद्रपुर मेरा थाना है, पोस्ट बरसाम हुआ जी, जिला मधुबनी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर।